बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर वन, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। एंड द टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस टुडे आर एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड देयर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैज़ वन एटॉमिक नंबर। अब हम हाइड्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट हैज़ ओनली वन शेल और इसके न्यूक्लियस में वन प्रोटॉन है, ज़ीरो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, और वन इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इन द न्यूक्लियस, ये हमें एटॉमिक नंबर बताएंगे, ठीक है। All the atoms of the given element have the same number of protons and therefore the same number of atomic number. अब हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट है और इसके डिफरेंट हम एटम्स ले लेते हैं, तो इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सेम है, इसलिए इन तमाम एटम्स का जो है वो एटॉमिक नंबर सेम होगा। We are not talking about neutrons. Neutrons different हो सकते हैं, लेकिन protons जैसा कि same हैं nucleus में, इसलिए इसका atomic number same है। Okay students, now the mass number और atomic mass भी इसको कहते हैं हम। The total number of protons and neutrons in the nucleus of an atom is known as its mass number. Okay students, यहाँ पर आप note कर सकते हैं कि ये हमारे पास टोटल मतलब एक एटम में क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, बेसिक यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमने एटम का मास लेना है, उसका वेट मतलब मास लेना है, तो हम उसमें से इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना स्मॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। हम अगर पूरे एटम का हमने मास लेना होता है तो सिर्फ हम न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लेते हैं, उनके नंबर को ऐड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास मास ऑफ एटम आ जाता है, ठीक है, जिसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, मास नंबर भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको दोनों साइड पर सेम नज़र आ रहे हैं, बट ये जो हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है इसका मास नंबर है 2, ठीक है, वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन, और ये जो है इसका हमारे पास जो है वो मास नंबर है 1, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स दोनों में डिफरेंट हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, यानी जो टोटल मास नंबर, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया कि मास नंबर हमारे पास क्या होता है, मास नंबर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम ऐड कर रहे होते हैं, वो मास नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, जस्ट प्रोटॉन्स का नंबर। तो अगर हम मास नंबर में से प्रोटॉन निकाल देंगे, एटॉमिक नंबर निकाल देंगे, तो वी विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट, ठीक है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मोस्टली इससे क्वेश्चन आता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास देख लें कि बेसिकली ये एलिमेंट है, एक्स जो है वो एक एलिमेंट के सिंबल को शो कर रहा है, ठीक है, ए जो है हमारे पास टॉप लेफ्ट पे मास नंबर होगा और उसको हम ए से शो करेंगे, और जो हमारे पास टॉप डाउन मतलब सॉरी डाउन लेफ्ट पे जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर है, जो उसको हम जेड से शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे एटॉमिक नंबर है ना, तो उसको ए से शो नहीं करना, ठीक है, उसको जेड से शो करना है, ऑपोजिट है ये, ठीक है, ये एक थोड़ी सी हिंट है, ये आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय ए, एटॉमिक नंबर को हम जेड से शो करते हैं और मास नंबर को हम ए से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने हाइड्रोजन का यहाँ पर लिखना है, तो मैं हाइड्रोजन का जो मास नंबर है 2 और एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, या फिर मास नंबर उसका 1 भी हो सकता है और हाइड्रोजन का मास नंबर 3 भी हो सकता है, तो इस तरीके से हम सैम्पल्स को शो करते हैं, ठीक है। और इसी नोटेशन में आपको क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, न्यूमेरिकल मतलब लाइक इस तरीके से शो कर दें और आपसे कहें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैलकुलेट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास डाउन साइड पे लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर होता है ऑल द टाइम, और जो अप साइड पे लिखा होता है वो मास नंबर होता है।
और यहाँ पर हमने एक बात ये भी डिस्कस की, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के प्रोटॉन्स तो हमेशा सेम होंगे तमाम एटम्स के, लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं. सो सम एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सच एटम्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स. ठीक है, तो जैसे भी हमने हाइड्रोजन के देखे तो वो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, एक दूसरे के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं. वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल इन कमिंग लेक्चर्स. ओके, अब यहाँ पर ये देख लें हमारे पास इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हाइड्रोजन का ही एटम है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है और इसमें 0 न्यूट्रॉन है. दीज टू आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर. ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं. दैट इज एग्जांपल नंबर 1.2, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम. ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, एक एलिमेंट दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 35 है. ओके, लेट्स सॉल्व इट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सॉल्व इट. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर को शो करें. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो एटॉमिक नंबर को शो करें और एटॉमिक नंबर हमें 17 गिवन है, तो इट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 17. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एंड मास नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से. मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो मास नंबर है हमारे पास 35 माइनस 17 एंड 18 आंसर आ जाएगा. एंड वी नो दैट जो प्रोटॉन्स का नंबर है और इलेक्ट्रॉन्स का वो इक्वल होता है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होंगे. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है पेपर में, गिव द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स. ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो लोअर साइड पे आपको पहले बता दिया है वो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन शो करता है, और अपर साइड पे जो है वो मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स शो करता है. ठीक है, तो इसमें से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक एग्जांपल को. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम मरकरी का सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल. ठीक है, एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ पर लोअर साइड पे लिखा होता है एंड दैट इज 80. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, और मास नंबर हमारे पास अपर साइड पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 119 आ गए हैं, 119, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं एंड दैट इज 80 इन न्यूट्रल एटम. ओके, ये न्यूट्रल एटम की बात हो रही है. ओके स्टूडेंट्स, बाकी एग्जांपल्स को भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच.